मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस नेत्री रामकिशोरी माहौर ने भाजपा और मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। शुक्रवार दोपहर नरवर स्थित लोड़ी माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी। किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लखन सिंह ने पत्नी सहित मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए श्रीमती रामकिशोरी माहौर ने कहा कि एमपी के मुख्यमंत्री घोषणा वीर है। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से रामकिशोरी माहौर भी टिकट की दौड़ में है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपको? मेरा नाम श्रीमती रामकिशोरी माहौर है। किस पार्टी से आप ताल्लुक रखती हैं? मैं कांग्रेस से। तो ये विधानसभा चुनाव में आपकी दावेदारी देखी जा रही है, क्या है पूरा? कुछ नहीं, मैं तो क्षेत्रवास में हूं, तो पहले अपनी तरफ से नमस्कार करना चाहूंगी और अभी तो मैं तैयारी कर रही हूं और मेरी सोच ये है कि अपने विधानसभा कार्यालय क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र लगता है नरवर होता है, जिसमें मैं चाहती हूँ अगर क्षेत्रवासी मेरा सहयोग करें, मेरी सहायता करेंगे और मुझे इस योग्य समझें तो मैं क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आज नरवर भी आई हैं, किस तरह का जनसंपर्क में आपको समर्थन मिल रहा है लोगों का? मैं यहाँ लोड़ी माता के दर्शन करने आई थी, जनसंपर्क भी हुआ है लोगों से। विश्वास लग रहा है आपको इस बार? मैं एक विश्वास वाली बात नहीं है, मेरा मैं अपना काम कर रही हूँ और ये चाहती हूँ कि लोग मुझे एक बार मौका दें, वो मेरा काम देखें। अभी भी मैं स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि क्षेत्रवासियों के लिए मैं सेवा करूँ और अपने यहाँ जो भी कमियाँ हैं उनको दूर कर सकूँ। हमारे यहाँ मैंने देखा है, इतने सालों से मैं देख रही हूँ, मैं यही विधानसभा कार्यालय क्षेत्र में नगर ब्लॉक में और ग्राम छतरी की रहने वाली हूँ और ये देखा जा रहा है कि यहाँ लोगों को, गरीब लोग हैं और ज़्यादातर यहाँ बेरोजगारी है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ एक रोजगार की सुविधा दी जाए लोगों को, जिससे लोग है ना जो बाहर जाते हैं भटकते हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। हालांकि हमारे यहाँ छोटा कारोबार मिल, अपना धान का मिल है जिसमें अपन कम से कम 1000 से ऊपर लोगों को काम करने के लिए दे रहे हैं, उसमें हमारे गांव के लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा ही करूँ मैं कि अपने क्षेत्रवासी बाहर ना जा सके, उनको यहीं रहकर उनको यहाँ रोजगार मिले और पढ़ाई के क्षेत्र में लोगों को ऐसी पढ़ाई मिले जो बाहर जा रहे हैं, गरीब हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बाहर, उनको भी वहाँ यहाँ कॉलेज हैं, अच्छे स्कूल हैं, उनको अच्छी सुविधाएं दी जा सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।